यदि आप एईपीएस चलाते हो यानी कि आधार कार्ड से पैसा निकालने का काम करते हो, तो आपको प्रतिदिन खुद का ऑथेंटिकेशन करना जरूरी है, आधार कार्ड से आपका वेरिफिकेशन करना जरूरी है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको खुद का फिंगरप्रिंट लगा के खुद का आधार कार्ड कैसे वेरीफाई करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हो, मान लो ग्राहक का अंगूठा लगवा दिया और आपने आधार कार्ड किसी दूसरे का वेरिफिकेशन करवा दिया, तो आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हर रोज़ आपको खुद का आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर अपना जो एप्लीकेशन है यानी कि पे नियर बाई, इसके बारे में बताएंगे कैसे ऑथेंटिकेशन करता है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो पे नियर बाई आईडी मैंने ओपन कर लिया है। इसके अंदर यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे साफ से दिखाई दे रहा है। और यहाँ थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ पे लिखा मिलेगा एपीएस, तो एपीएस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है टू फैक्टर वेरिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे RBI गाइडलाइन है यानी कि डेली वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है, ठीक है। यदि आप आधार कार्ड से पैसा निकालते हो तो आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए यहाँ पे वेरीफाई नाउ करना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आधार कार्ड के जो लास्ट के चार नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो रजिस्टर है वो यहाँ पे देखिए डालना है, ठीक है। लास्ट में ये नंबर है, तो चलिए मैं अपना आधार नंबर यहाँ पे कम्प्लीटली डाल लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं अपना यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लगा लिया है। उसके बाद में देखिए नीचे स्कैन का ऑप्शन है, और खुद का मशीन लगा के यहाँ पे स्कैन कर दीजिए। देखिए लाइट यहाँ पे ऑन हो चुकी है, यहाँ पे मैं अपना फिंगर लगा लेता हूँ। यहाँ पे देखोगे पुट योर फिंगर लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन फिंगर सक्सेसफुल, यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट है, बैलेंस इंक्वायरी है, और यहाँ पे आधार विड्रॉ है, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखा है गेट स्टार्ट, चलिए यहाँ पे ओके कर देते हैं। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे ऑन हो चुकी है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देते हैं। चलिए इसको नेक्स्ट कर देते हैं, देखिए विड्रॉ आ गया, और बैलेंस इंक्वायरी और स्टेटमेंट ये चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। यदि आधार विड्रॉ करना है, पैसा निकालना है, तो यहाँ पे अमाउंट भर दीजिए, आधार नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे नीचे बैंक सेलेक्ट कर दीजिए, और यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए। ऐसे करके आप सारा यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट करके आधार कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं। यदि आपके पास आधार कार्ड वाली साइट नहीं है, आईडी नहीं है, आईडी पासवर्ड, तो आप हमसे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि छोटा सा वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।